बड़ी सार्थक बैठक थी। इसमें भारत सरकार के अधिकारी भी, उत्तर प्रदेश से सड़क से जुड़े हुए अधिकारीगण भी, प्रशासनिक अधिकारी भी, सभी लोग फिजिकली भी और वर्चुअली भी जुड़े हुए थे। एक सभी कार्यक्रम ये बैठक आज यहाँ पे महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें गोरखपुर में सैजनवा में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वहां पे एक फ्लाईओवर बनाने की बात हुई है। गोरखपुर का उत्तरी रिंग रोड बनाने की भी चर्चा हुई है और दो अन्य जो महत्वपूर्ण मार्ग हैं गोरखपुर से जुड़े हुए, गोरखपुर से सिलीगुड़ी के लिए और गोरखपुर से एक शामली के लिए, ये सभी मार्गों की भी चर्चा आज यहाँ पे हुई है, जो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को और देश की जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग है उनसे अच्छी कनेक्टिविटी और बेहतरीन कनेक्टिविटी देने में सफल होंगे और प्रधानमंत्री जी का जो डेवलपमेंट का विजन है इसको प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर और भी प्रभावी ढंग से उतारने में। विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो प्रत्याशी जीत हुई भाजपा की, क्या कहना? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में जनता जनार्दन ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकारा है, उनके डेवलपमेंट के मॉडल को, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को और भारत की छवि को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के उनके प्रयासों को हर एक स्तर पर पब्लिक ने स्वीकारा है। आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से रिपीट हुई है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को जो भारी बहुमत से इन राज्यों में भी सफलता प्राप्त हुई है, कांग्रेस को जनता ने मात दी है। ये चीजें दिखाती हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता तीसरी बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करके तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर लेकर के आएगी। आज के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सफलता तीनों राज्यों में प्राप्त हुई है इसके लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन तीनों में जुड़े हुए जितने भी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी थे, उन संबंधित राज्यों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। इन शानदार विजय के लिए संबंधित राज्यों के नेतृत्व को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं।